हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। वचनों में से प्रार्थना करें, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने वचन बोलकर प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा, बाइबल में लिखा है कि आकाश से बड़ी आंधी की आवाज से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और आग की जीवों के रूप में उन पर आत्मा उतरा और वह पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। चेलों पर पवित्र आत्मा इसलिए उतरा था क्योंकि उन्होंने वचन के बीच से प्रार्थना की थी। मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखी गई थी और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया तो उन्होंने पहले वचन को पढ़ा जो यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में उनके बारे में लिखा गया था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुओं को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक को बंद करके लोगों से कहा कि आज ही यह लेख आपके सामने पूरा हुआ है और उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह की सेवा शुरू हुई। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को भी अपनी सेवा शुरू करने से पहले अपने लिए वचन को घोषित करना पड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में पता था कि यह वचन मेरे लिए लिखा गया है और अगर उनको परमेश्वर के सामने वचन घोषित करना पड़ा तो जरा सोचें कि आपको वचन घोषित करना कितना जरूरी है। आज अगर आप बीमार हैं, दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में आपकी चंगियाई और छुटकारे के लिए कौन सा वचन कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको अपनी गवाही का वो वचन पता नहीं है तो उस वचन को बाइबल में से ढूंढें और उसको अपने जीवन के ऊपर घोषित करें और उस वचन के द्वारा प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तब वह वचन आपकी जिंदगी में वास्तविक रूप से पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पुराने नियम से आयतों को ढूंढ ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई थी। वे वचनों को जानते थे इसीलिए वे सामर्थी थे, उनको वचनों का ज्ञान था इसीलिए परमेश्वर ने उनके द्वारा लोगों को चंगा किया और बड़े बड़े चमत्कार किए। मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वह आपको बाइबल के वचनों में से ही मिलेगा। हो सकता है कि जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको अपनी समस्या पर आधारित वचन ना मिले, पर उससे मिलता जुलता वचन जरूर मिलेगा। जब आप उस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको जरूर छुड़ाएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।